आप देख रहे हैं सोशल और इस वीडियो में हम हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बार बार देखो के गाने काला चश्मा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। काला चश्मा इज नॉट अ लेटेस्ट सॉन्ग। ये गाना 1990s में लिखा गया था और जब इस गाने को पंजाबी सिंगर अमर अर्शी ने अर्ली 2000s में इंग्लैंड में लाइव परफॉर्म किया, तब से ही इस गाने को पंजाबी म्यूजिक फैंस में एक कल्ट फॉलोइंग मिल गई। इस गाने को ओरिजिनली कंपोज किया था प्रेम हरदीप ने, जिसे अब रिकम्पोज किया है बादशाह ने। पर क्या आप जानते हैं कि ये सुपरहिट गाना दरअसल लिखा किसने है? शायद नहीं। इस चार्टबस्टर सॉन्ग को लिखने वाले शख्स पंजाब के कपूरथला शहर के हेड पुलिस कांस्टेबल अमरीक सिंह शेरा हैं। ये गाना उन्होंने तब लिखा जब वो सिर्फ 15 साल के थे और 9th क्लास में पढ़ते थे। अमरीक सिंह के मुताबिक उनको ये बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि जब 4 महीने पहले इस गाने के राइट्स जलंधर बेस्ड ऑडियो कंपनी ने 11,000 रुपये में उनसे खरीदे थे कि वो इसे एक बॉलीवुड फिल्म में फीचर करेंगे। उनको ये बताया गया था कि इस गाने को एक सीमेंट कंपनी के इवेंट में यूज़ किया जाएगा। फिर कुछ महीने बाद उन्होंने ये गाना फिल्म बार बार देखो में फीचर देखा और हैरान रह गए। अमरीक जी को इस बात का कोई शिकवा तो नहीं है, पर वो ये ज़रूर चाहते हैं कि उनको अगर म्यूज़िक लॉन्च पर मुंबई बुलाया जाता तो उनके गाँव तलवंडी चूड़ियाँ का नाम पूरे इंडिया में फेमस हो जाता। इनफैक्ट इस गाने के ओरिजिनल वर्जन में उन्होंने अपने गाँव का नाम मैंशन भी किया है। आई होप इस वीडियो के बाद फैंस को ये पता चल ही जाएगा कि इस मास्टरपीस सॉन्ग के राइटर कौन हैं और उनके गांव को भी वो पहचान मिल जाएगी जो अमरीक हमेशा से चाहते आए हैं। नाउ दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और देखते रहिए सोशल हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।